क्या आपने विनर्स कर्ज के बारे में सुना है? ऑक्शन इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अक्सर ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होता है वो एक्चुअली में लूजिंग साइड पर होता है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू या वर्थ 10 लाख है, बिडिंग करते करते उसको 1 करोड़ पर ले जाते हैं और जो विनर होता है वो उसके सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा होता है। अब सेल्स इंडस्ट्री में ये कैसे होता है? दो सेल्समैन या दो से ज़्यादा सेल्समैन किसी एक डील पर काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट को इतना डिस्काउंट दे देते हैं कि बाद में वो क्लाइंट को सर्विसेज ही नहीं दे पाते। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज किसी नेटवर्क के लिए इतना ज़्यादा बिडिंग कर देते हैं कि बाद में वो कंपनी सी बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। वॉरेन बफेट इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं पहले आपको अपनी डील की वर्थ पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये डील अगर आपके पास आती है तो आपको क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, उसी के हिसाब से ही आपको नेगोशिएट करना है। और अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ तो आप उस डील को छोड़ दीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। नहीं तो विनर्स कर्स है, वो आपके साथ लग जाएगा और आपके लिए वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाएगा, जिससे आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट का भी एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। ऐसे अगर आपके पास और एग्जांपल हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए।